एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी ग्लैम वाइट के स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में। और दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड रिव्यू है और इसकी रिक्वेस्ट की थी, इसके फेस वॉश की भी रिक्वेस्ट आई थी और उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसे भी अगर ग्लैम वाइट के फेस वॉश का रिव्यू देखना है तो वो इसलिए देख सकता है। फिलहाल अगर हम इस क्रीम की बात करें तो ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है और इसकी सोप नहीं आती है। अगर सोप आती तो मैं इसका सोप का भी रिव्यू जल्दी लाती। इस क्रीम को मैंने काफ़ी टाइम तक लगाया, मतलब इतने टाइम तक मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लगाती नहीं हूँ, पर इसे मैंने लगाया क्योंकि इसके रिजल्ट जो थे वो बहुत स्लो मिल रहे थे। इस वजह से मुझे इसे थोड़ा सा आगे तक लगाना पड़ा, कंटिन्यू करना पड़ा। और जो इसका प्राइस है दोस्तों, ये कुछ है, इसका फेस वॉश और जो क्रीम है वो मैंने साथ में ली थी और ये आपको मिलेगी 375 की। ठीक है, इसका MRP है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको स्लो मिलते हैं। तो और अगर हम इसके एक कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, तो इसमें तो है एक विटामिन सी, ठीक है, और ये एक नॉन स्टेरॉयडल क्रीम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब और इसके फेस वॉश का रिव्यू किया था मैंने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसको भी अगर उस क्रीम को इस क्रीम की वीडियो को देखना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकता है। फिलहाल अगर हम इस क्रीम की बात करें तो इसका जो MRP है वो है 375, प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने काफ़ी टाइम तक लगाया, उसका रीज़न बताऊंगी कि मैंने इतना क्यों लगाया। ठीक है, वैसे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैं 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, वही प्रोडक्ट लगाती हूँ जिन्हें मुझे ज़रूरत होती है कि नहीं मुझे इसे थोड़ा सा और लंबा खींचना चाहिए। तो इसे जो है मैंने थोड़ा सा टाइम दे के लगाया और ये एक यूनिवर्सल क्रीम है, कोई भी लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मत करना है कि इसे लड़के लगा सकते हैं या लड़कियाँ लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। और ये डे और नाइट क्रीम है, ठीक है, तो भले ही कोई भी मेडिकेटेड क्रीम हो, डे का क्लेम कर रही हो या नाइट का हो, तो मैं कहूँगी कि आप नाइट में ही लगाइए। डे में आप बहुत सारी क्रीम होती है, सनस्क्रीन के साथ लगाएंगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन डार्क नहीं होगी। अगर आपकी डार्क हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, आपकी सनस्क्रीन आप स्किप करते हैं या फिर अपने स्किन टाइप के हिसाब से या सनस्क्रीन का चुनाव आप नहीं कर पाते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो डार्क होती है। और इसका जो तीसरा क्लेम है वो ये है कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको इस क्रीम के नहीं दिखेंगे। भले ही रिजल्ट आपको ना दिखें, स्लो दिखें, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, और ये विटामिन सी के साथ आती है, मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है वो विटामिन सी का है। और चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की इसमें क्या क्या ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोजिशन देखूँ तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं कंपोजिशन दिख रहे हैं, बाकी सारे जो हैं जैसे कि मेन जो वाइटनिंग एजेंट होते हैं जैसे कि कोजिक एसिड हो गया या फिर ग्लूटाथाइन है, और कोजिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, लिकोराइस भी है, और बाकी इसमें जैसे कि अबुटीन हो गया या फिर ग्लूटाथायोन हो गया, तो इस तरह के जो हैं वो कंपोजिशन नहीं दिखेंगे। सिर्फ दो कंपोजिशन हैं जो मेन हैं, जो कि स्किन वाइटनिंग एजेंट में काउंट होते हैं, जो कि टॉप पे आते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड है और दूसरा लिकोराइस है, तो दोनों ही इसमें है, और बाकी इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई, और बाकी इसमें जो है सारे केमिकल हैं, अल्कोहल वगैरह, ग्रिसलिन एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे जो इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कंपोजिशन हैं जो कि ग्लाइकोलिक एसिड हो गया या फिर यूरिया हो गया, तो इस तरह के जो हैं केमिकल ऐड किए गए हैं। एक कंपोजिशन जो और मुझे दिखा है 5.0% ऐड किया गया, जो कि है नियासिनामाइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड किया गया जो कि एक स्किन वाइटनिंग एजेंट में ही ये गिना जाता है। तो ये सारे कंपोजिशन इसके हैं, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही इसके रिजल्ट बता दिए कि इसके रिजल्ट जो हैं आपको स्लो मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि मैं इसे मुझे थोड़ा सा टाइम देके लगाना पड़ा, रीज़न यही था कि रिजल्ट इसके स्लो मिल रहे थे, लेकिन मिल रहे थे, मतलब ये भी नहीं हुआ कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलते ना, तो मैं उस क्रीम को वहीं स्किप कर देती हूँ, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने साइड इफ़ेक्ट दिखा दिए होते हैं, जैसे एक्ने वगैरह निकल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि एक्ने निकल रहे हैं तो मैं उसे वहीं स्किप कर देती हूँ। लेकिन इससे मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट जो थे बहुत स्लो मिल रहे थे, लग रहा था कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है लेकिन बहुत कम मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा टाइम देके लगाया। तो पैकिंग इसकी देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, और एक्ने वगैरह पे तो ये काम नहीं करेगा, अगर एक्ने हैं आपके तो एक्ने से नहीं जाएंगे, ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम ही है। और मैंने इसे लगा के इसी में ही रख दी पैक करके, मुझे आपको पैकिंग दिखानी थी इसकी।